नेक्स्ट टॉपिक जो है ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है नेबरहुड नेबरहुड वी ऑल अंडरस्टैंड नेबर्स और वो जो नेबर्स के साथ जो आपकी एक लोकेलिटी बनती है दैट इज़ कॉल्ड योर नेबरहुड फ़र्ज़ करें कि आपका जो मोहल्ला है आपकी सोसाइटी है वेयर एवर यू लिव आपका जो ब्लॉक है दैट बिकम्स योर नेबरहुड अब उसके जो उसको कैसे मैयर करते हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मॉड्यूल अब हमने ये जो ग्राफ था नोड्स और एजेस और वर्ड्स ये हमने इसमें डिस्कस किया सर नो वी अंडरस्टैंड हमारी एक अंडरस्टैंडिंग इस वक्त तक डेवलप हो चुकी है कि जो ग्राफ नेटवर्क है या जो जो ग्राफ है वो चीज़ों को या एक सोशल नेटवर्क को एक सोशल कम्यूनिटी को रिप्रजेंट किस तरह से करता है इसमें भी अगर हम देखें कि ये फ़र्ज़ करें चलो इसी को बेस पर जो पाँच है ये फाइव इज़ लिंक विद वन टू थ्री फोर ठीक है अब जो पाँच है ये चार डिफरेंट और नोड्स हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है ठीक है जी और फिर इसी तरह ये जो आपका था नेबरहुड ऑफ फाइव इज ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ वन टू एंड फोर ये जो फाइव का नेबरहुड है वो ये इसका नेबरहुड उड़ आ गया क्योंकि इसके साथ वो कनेक्ट नहीं है लेकिन जो फोर का नेबरहुड है वो इस तरह से होगा ठीक है तो इस तरह से बेसिकली आप अब जो टू का नेबरहुड है अब टू टू का अगर हम देखेंगे तो ये इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस अब आप इसको ये देखिए कि जस्ट फॉर गेट दिस फॉर अ मिनट और आप अपना वेर एवर यू लिव जहाँ आपका घर है आप देखिए कि आपके जो इर्द गिर्द जो घर हैं स्कूल है मस्जिद है एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप जो जो भी आपको पास वो जो चीज़ें हैं तो आप किस तरह से उनमें से किस किस चीज़ के साथ आप कनेक्टेड हैं फर्ज करें अगर ये नोट नंबर फाइव इज़ योर हाउस तो बाकी जो है में भी एक आपके किसी रिलेटिव का घर है एक आपका स्कूल है एक आपका जो है ना वो स्टोर है जहाँ से आप परचेजिंग करते हैं तो इस तरह से ये एक आपका नेबरहुड बन जाता है दैट इज़ हाउ वी डिफाइन अ नेबरहुड ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है दिस ड रियली मैटर लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि एक ये अगर एक पूरी सोसाइटी है या एक क्लस्टर है एक सोशल नेटवर्क है इसके अंदर जो डिफरेंट नेबरहुड्स हैं उनको आपने डिफ़ाइन कैसे करना है और फिर फाइंड कैसे करना है तो जो क्लोजेस्ट हैं एक दूसरे के दे आर डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि जस्ट थिंक अबाउट वेयर यू लिव तो उसकी बेस पे आपको पता है अगर अक्सर आपने कई जगह पे देखा होगा कि वो जो लोकल कम्यूनिटीज़ होती हैं उन्होंने लिखा होता है नेबरहुड वॉच कि ये जो एरिया वो जो भी लोकल कोई आपकी कम्यूनिटी होती है दे मेक श्योर के आपके एरिए में Uh, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ ना हो और दे आर बीइंग मॉनिटर्ड सीसीटीवी कैमरे होते हैं या सिक्योरिटी के लोग होते हैं तो वो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेबरहुड की अंडरस्टैंडिंग के लिए और फिर इसका एडवांटेज क्या हो सकता है आपको या किसी और को अच्छा अब जो एक चीज़ जो हमने डिस्कस की आई एम नॉट श्योर कि वो किस कॉन्टेक्सट में की थी कि जो जो दो डिफरेंट नोड्स हैं वो आपस में यू you नो know, जैसे मैं कह रहा था कि दो हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है तीन है तो क्या पॉसिबिलिटी है चार नोड्स हैं तो उनकी आपस में नेबरहुड किस किस तरह से उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है किस तरह से बन सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि देखिए ये चार कलर हैं ठीक है ब्लू रेड ग्रीन और तीन कलर हैं सॉरी और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कम्युनिटी कम्युनिकेट करने की दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ट्वेल्व डिफरेंट वेज़ लेकिन अगर ये जो अगर मेरे पास चार हो जाए तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये मैं जो कह रहा था ना कि इट बिकम मोर एंड मोर कम्प्लैक्स जैसे आप उसको नंबर ऑफ नोड इन नेटवर्क इंक्रीज करते हैं तो अगर चार हों तो, तो देआर सेवेंटी टू जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं राइट right? वो कॉम्बिनेशन है ना डिफरेंट कि आप बेशक वही लोग हैं लेकिन वो या वही नोड्स हैं वही आपके वर्ड्स हैं वही एचीज़ है, है बट उसकी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से क्योंकि जो सोशल नेटवर्क है उसकी जो आप समझे कि जो हार्ट है उसका वो तो वो जो कम्युनिकेशन की उसकी कैपेबिलिटी uh, है या कैपेसिटी है या उसका जो एक एट्रीब्यूट है कि दोनों नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन का जो तरीका कार है दैट इज़ बीग मल्टीप्लाइड अगर हम एक नोड ऐड करते हैं आप अगर आपको फ़र्ज़ करेंगे क्रिकेट की लीग की अगर आप एग्जांपल लें या फुटबॉल की लीग की एग्जांपल दें तो अगर पूरी लीग में छः या सात टीमें हैं तो जब हर टीम दूसरी से मैच खेलती है एक टीम ने में भी अगर फ़र्ज़ करो सात टीमें या टोटल छः मैच खेले हैं तो टोटल तो छः नहीं है अब हर टीम ने छः मैच खेले हैं तो उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी बिग नंबर उसी फार्मूले की बेस पर उसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें भी आपके नंबर इसी तरह से ज़्यादा होते रहते हैं और वो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन और मैच खेलना बट दैट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू ये चीज़ किस तरह से काम करती है अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक नेटवर्क है या एक जिसके अंदर ये टोटल पाँच नोड्स हैं अब वो किस किस तरह से है कि ये एक तरफ़ हमने ये फ़र्ज़ करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लिख दिया जीरो वन टू थ्री फोर और ये लुकिंग एट दिस अब जो ज़ीरो तो ऑबियसली ये इसको नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं बट इट डजेंट रियली मैटर वो सिर्फ उस सूरत में यूजफुल है कि अगर एक नोड के अंदर एक से ज़्यादा फर्दर फर्द करें एक फैमिली को अगर मैंने एक नोड लिखा है तो उसके अंदर जो लोग हैं दे आर नियरेस्ट नेबर्स राइट तो अब ज़ीरो ज़ीरो किस किस के साथ कनेक्टेड है ज़ीरो वन के साथ और सॉरी तो, टू तो, तो, तो के साथ वन किस किस के साथ कनेक्टेड है ज़ीरो के साथ टू के साथ थ्री के साथ फोर के साथ तो इस तरह आप देखिए कि ये कितने आपके पास वो जो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं उसकी कनेक्टिविटी की या कम्युनिकेशन की और इस तरह से आप इसको और फिर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप पाइथन में वो डेवलपमेंट करते हैं या उसके अंदर तो आपको इनकी लाइब्रेरीज़ मिलती हैं तकरीबन सब की एंड दैट इज़ द रीज़न के पाइथन इतनी पॉपुलर है डेटा साइंस में तो इन, इनकी आपको लाइब्रेरी मिलती है उनके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं एंड सिंपली यू हैव टू कॉल अ फंक्शन एंड एम्प्लीमेंटेड